कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान की हरकत, कोरोना मरीजों को भेज रहा पीओके। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की तबाही झेल रही है, पाकिस्तान में भी बदतर हालत है। इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने कोरोना मरीजों को जबरदस्ती पीओके में भेज रहा है, और यह सब पाकिस्तान तब कर रहा है जबकि वह आए दिन पूरी दुनिया में कश्मीर का रोना रोता रहता है। दरअसल पाकिस्तान के मीरपुर इलाके में स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सेना से दूर करने के लिए पंजाब से दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भेजा जा रहा है। न्यूज एजेंसी NIA ने इस बात की जानकारी दी है कि मीरपुर सहित पीओके में कई क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में पंजाब प्रांत के COVID-19 से संक्रमित मरीजों को रखा गया है, और यह आदेश पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने दिया है। बताया जा रहा है कि सेना के अफसरों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने आदेश दिया है कि सेना मुख्यालय और सेना परिवार के आसपास कोरोना का कोई भी मरीज नहीं होना चाहिए। इस आदेश के बाद कोरोना के मरीजों को वाहनों में भरकर मीरपुर शहर, पीओके के अन्य इलाकों एवं गिलगित बाल्टिस्तान में पहुँचाया जा रहा है, और यह प्रक्रिया पिछले कई दिनों से चल रही है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि उनके यहाँ पहले से ही स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव है, और अगर ऐसा लगातार हुआ तो पूरा क्षेत्र महामारी की चपेट में आ जाएगा और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उधर पाकिस्तानी सेना के अफसर इस बात से बेफिक्र हैं क्योंकि पंजाब प्रांत की तुलना में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का उनके लिए राजनीतिक महत्व बहुत कम है। यह क्षेत्र उनके लिए पंजाब की तरह अहमियत नहीं रखता। ताजा आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले की कुल संख्या 1150 के पार हो गई है, जो भारत से कहीं ज्यादा है। इनमें से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पाकिस्तान जिस तरह पीओके में यह हरकत कर रहा है उससे उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले दिनों जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देशों के नेता कोरोना से निपटने के लिए आयोजित वार्ता के लिए तैयार हुए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान कितना गंभीर है, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की पहल पर हुई सार्क देशों की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद शामिल नहीं हुए, जबकि सभी देशों के प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए और सबने पीएम मोदी की प्रशंसा भी की थी।